अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि हम साउथ बॉल पे कैसे आउट स्विंग या इन स्विंग और या एयर स्विंग भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो नया बॉल होता है साउथ बॉल, और इस लाइट वेट की वजह से ये जो है ये हवा में थोड़ा बहुत जो है वो स्विंग हो जाता है। तो अभी मैं इसका तरीकाकार आपको बताता हूँ कि इसको आप इजीली कैसे स्विंग कर सकते हैं। जो स्ट्रीट क्रिकेट, गली क्रिकेट या लोकल क्रिकेट में इस टाइप बॉल का जो टूर्नामेंट होता है, तो उस पर आप फिर अच्छी तरीके से बॉल कर सकते हैं, बॉल को स्विंग कर सकते हैं, बैट्समैन को अच्छा खासा आप बीट कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। तो तरीका मैं आपको बताता हूँ, जब आपके पास नया बॉल हो ना, अभी ये दूसरा बॉल भी है हमारे पास, ये इससे भी ज़्यादा जो है वो कम वेट वाला है, ये आप देख सकते हैं, वो जो बच्चों वाला बाल होता है। तो इसको मैं इस वजह से अपने साथ लेके आया हूँ ताकि आपको मैं प्रैक्टिकल बता दूँ कि हवा की प्रेशर की वजह से जिस तरह ये बाल अपना रुख बदलता है, यानी हवा में स्विंग होता है, उसी तरह ये भी जो है वो हवा में स्विंग हो जाता है, जिस तरह के हार्ड बॉल में आपको स्विंग देखने को मिलता है। तो ये अभी आपको ये ग्रिप नज़र आ रहा है, तो जब आप आउट स्विंग करना चाहते हैं तो जिस तरह हड़वान में आप ये ग्रिप थोड़ा सा आउट स्विंग की तरफ रखना चाहते हैं, तो उसी तरह इसका भी आप ये ग्रिप जो है वो थोड़ा सा फर्स्ट स्लिप की तरफ आपने करना होता है, और कोशिश करनी है आपने कि ज़्यादा से ज़्यादा यॉर्कर लेंथ पे आप जब बॉल को डिलीवर करोगे तो उतना ज़्यादा आपको स्विंग मिलेगा। तो अभी आपको भी पता लग चुका होगा कि जब हम बॉल को यॉर्कर लेंथ पे मारेंगे तो वो बॉल जो है वो हवा में ही रहता है, तो जब हवा में वो रहता है तो वो स्विंग हो जाता है। तो इसको आप एयर स्विंग भी कह सकते हैं और आउट स्विंग भी कह सकते हैं। तो ये तरीकाकार है, आपने फर्स्ट स्लिप की तरफ ये करना है। अगर आपका ग्रिप इस तरह है तो भी आप ये कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप अच्छा सा ग्रिप करके इसको आप आउट स्विंग कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दो तीन बॉलों का डेमो दे रहा हूँ, तो ये आप देख लेना ये ग्रिप मेरा किस तरह है। ये ग्रिप है और मैं सिंगल उंगली से कर रहा हूँ, आपका जिस तरह ग्रिप है वो आप उसी तरह कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से मैं बॉल को डिलीवर करूँगा, तो स्विंग आप ये नोट कर लेना यहाँ। देखिए आपने बॉल हवा में ऐसे आउट स्विंग की तरफ जो है वो ब्रेक हो गया। आपने कोशिश करनी है कि यादव लेन पे आपने बाल को डिलीवर करना है, इस तरह की बाल आपका जो है वो आउटिंग होगा। ये दोबारा देख, ये यहाँ पे रहेगा, कितना स्विंग हो रहा है ये बाल आपका। आप तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये बाल जो है वो बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा है। आपने इसी तरीके से आप अपने बॉल में स्विंग ला सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आप सॉफ्ट बॉल पे या हार्ड बॉल पे इन स्विंग कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। अगर आप बिगिनर हैं या अगर आप स्विंग करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। तो अभी मैं आपको इसका आखिर में डेमो भी करके दिखाऊंगा, तो वो भी सारा आपको नोट कर लेना। तो हमारा थोड़ा सा इसमें एंगल चेंज होगा और जो ग्रिप की पोजीशन है वो हमारी चेंज होगी, और जो हमारा एरिया है टिप्पा देने का वो सेम है। आउट स्विंग के लिए भी आपने यॉर्कर लेंथ पे जाने की कोशिश करनी है, और इन स्विंग के लिए भी आपने जो क्रीज से आगे वाला जो विकेट तक जो एरिया होता है हमारा इस बॉल के लिए, यानी इस आउट स्विंग और इन स्विंग के लिए वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, और इससे आगे आगे भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आप आओगे तो वो आपको थोड़ा सा कम एयर में स्विंग मिलेगा। इसमें जो स्विंग होता है वो थोड़ा सा हम एयर में भी आप स्विंग कर सकते हैं, वो आपको साफ नज़र आएगा कि ये हमारा इन स्विंग होता है, और बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।
तो अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ इसका जो ये ग्रिप है, हम आउटस्विंग के लिए फर्स्ट स्लिप की तरफ रखते हैं, इसको हमने थोड़ा सा पाइनलिप की तरफ करना होता है। और हमारा ग्रिप का जो पोजीशन है फिंगर, तो वो सेम रहेगा अगर आप वन फिंगर से करते हैं या अगर आप डबल फिंगर से करते हैं। तो आपने इसका ख्याल रखना है ग्रिप का, और आपका जो यहाँ से हाथ आएगा तो यहाँ पे आपने एंगल का ख्याल रखना होता है, तब आपका जो बॉल है वो सही तरह से स्विंग हो पाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से हाथ को घुमा के लाएंगे और इस तरह बॉल को रिलीज करेंगे ऐसे। तो जब हम ऐसे रिलीज करेंगे तो आपका बॉल क्लियर इन स्विंग होगा और बैट्समैन को जो है वो काफ़ी टफ टाइम मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ से डेमो भी चेक कर देना। तो ये हमारा ग्रिप है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन्फिंग के लिए आपने थोड़ा सा पाइन लेग की तरफ इसको टेढ़ा करना है, और आपने ग्रिप इस तरह करनी है फिंगर्स की। तो यहाँ पे आपको बाल को नोट कर लें, यहाँ पे एंगल भी आप नोट कर लें, ग्रिप भी नोट कर लें और स्विंग भी नोट कर लें। यहाँ पे ऐसे देखा हमारा बाल ऐसे स्विंग हो रहा है। एंगल और ग्रिप की मदद से आपका बॉल कंप्लीट इनस्विंग होगा। धन्यवाद।